रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ मासी, दो दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कह रहे हैं। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। और आपको पता है, इस पर जब मैंने नवरात्रि रखे थे तो सातवें दिन काल रात्रि माता की पूजा की जगह माँ गौरी माँ की पूजा कर दी। मुझे लग रहा है यही कारण है जो मेरे मलिक पे इतनी विपदा पड़ी। जी ठीक है, आप प्लीज याद से पूजा कर दीजिए। ओके। मिल गई खबर? टीवी पे देखा होगा? नहीं भाभी, मेरा फोन बंद हो गया था। तुझे भी अपने भाई की तरह बंबई की हवा लग गई। वहां बीच सड़क पे तेरे भाई को कोई गोली मार गया और तू ये एक्सक्यूज दे रहा है कि तेरा फोन बंद था। सस्पेंशन से हुई बेइज्जती के बाद मेरे कीड़े बगावत पर उतर आए थे। मुंह में खून लग चुका था और अब मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे। मुंबई शहर में पैसा बोलता है और मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखना चाहता था। ये मेरा पहला फिक्स था और इस फिक्स ने मेरी ताबूत पे खील ठोकी थी। नवी मुंबई के पांच सितारा होटल से अहाना को गिरफ्तार किया गया। एक्ट्रेस अहाना की अभी तीन फिल्म चल रही थी जिसमें सबसे बड़ी फिल्म थी बॉलीवुड प्रोड्यूसर विकी कपूर। वैसे आदमी है कौन? कुछ खास मुनाफा नहीं। ये जड़िया ये वो शर्मा कपूर 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 विकी कपूर बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। बहुत कनेक्शन है उसके। जितना बड़ा आदमी ना उतनी बड़ी भसड़, और जितनी बड़ी भसड़ उतना बड़ा फिक्स। बताया जा रहा है उन पर जिस्म फिरोशी का संगीन आरोप लगाया गया। इस खबर से पूरी बॉलीवुड सकते में पड़ चुकी है। इस वक्त उनकी तीन फिल्में चल रही हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है बॉलीवुड प्रोड्यूसर विकी कपूर की फिल्म सिलसिला जिस्म का। कौन बोल रहे? अबे भाई से सुन, हकीम दादा क्या से बोल रहा हूँ, कल तीन खोका तैयार रखना, लड़के को भेज दूंगा। अबे सुन, मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का, ठीक है ना? ये एक्सट्रॉशन कॉल जो तू मुझे कर रहा है ना, ये सब पुराने पेंत्रे हो चुके हैं। पुरानी फिल्म में बना बना के मैं भी बर्बाद हो गया हूँ, समझा? टाइम बदल गया और तू भी बदल गया। ये मरने मराने वाले फोन कॉल ना जाके अपने बाप को दे, ठीक है? मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। होटल रूम में उस लड़की को चूतिया बना के जो उसकी ले रहा है ना, फुटेज ही काफी है। फटी ना, तो पैसे रेडी रखना। और अगर पुलिस ऑफिसर मलिक को इन्फॉर्म किया ना, पहले मारूंगा फिर बदनाम करूंगा, समझा? चल फोन रख। क्या कौन था? गलत टाइम पे फोन कर देते हैं। पप्पू सो गया। ये मलिक कौन है? अपुन का तो काम हो गया, लेकिन वो ना, मैंने तीन दिन उसको ट्रैक किया। अच्छी लड़की है, फंस गई। क्या साहब, मेरा जो मर्द है ना, वो मेरे को हमेशा बोलता है कि एक दिन ना मेरा जो भी मैंने कांड किया है उसका मेरे को पाप चढ़ेगा। चिकनी चमेली, क्या बिल फटता होगा रे तेरा, एकदम बैंकॉक का माल लगती है। ये फैशन है या फाड़ेली है?
ये सुनना, मेरे साथ काम कर ले, सॉलिड कमाएंगे। हैंड जॉब का अलग, जॉब का अलग, जीएसटी, सर्विस टैक्स, खराब के लिए कहीं नहीं भेजेगी तेरे को। उनके जॉब का अलग अलग, अरे पूछना इनसे, बिलो जॉब का अलग कमाती है ना, बोलना शबनम, बोलना क्या बोलती है, आना आना आना। Welcome, Malik, welcome to Kapoor Grandsons Entertainment. Thank you, Kapoor sir. Excuse me, sir. Bolo, Julie. Sir, kuch bill hai. Nail spa, e-clothing aur Victoria's Secret. Kiska secret? Victoria's Secret, lingerie. Maine to koi lingerie nahi khari thi. Relax, sir. Ye Sonia ma'am ke bill hai. निकाल के रख लो सर, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे चलाई भी है कभी या फिर? अरे भाई दिल्ली से हूँ, वहाँ बहुत चलाई है, और यहाँ बॉम्बे में भी। भाई गैलेक्सी में मेरा उठना बैठना भाई के साथ। अच्छा। माता का आशीर्वाद है, बॉम्बे में हर किसी को जानता हूँ। तुम्हारा कुछ काम वाम हो तो बता देना, करवा दूंगा। कमाल है सर, ठीक है चलता हूँ मैं। अरे भाई मुझे लगा आपको मुझसे काम, लेकिन आप तो मुझसे काम मांग रहे हो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे भाई मेरी बात सुन, कल रात को मुझे किसी दादा हकीम के यहाँ से फोन आया था। वो मेरे से 3 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा था। उसने कहा कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे जान से मार देगा। मलिक मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा फिक्सर है, मेरा ये काम कर दे यार। जान से मार देगा तो दे दो पैसे। अरे मलिक कहाँ से आएंगे पैसे, सिलसिला का रीमेक, सिलसिला रुक गया फ्लॉप, कयामत का रीमेक फिर से कयामत फ्लॉप, सबके सीक्वल प्रीक्वल चल रहे हैं, बस मेरे नहीं चल रहे। फिर तो दादाजी को मारना ही पड़ेगा। 40 लाख रुपए। मैंने सोचा था कि नॉन नेगोशिएबल। चलो फिर। वैसे तो मैं बाहर किसी को छोड़ने आता नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल हो। नाइस सनग्लासेस। चलाने को बोलो, हिलाने को नहीं। क्या कपूर साहब, अरे डरो नहीं कपूर साहब, देख लिया इन लोगों ने मुझे, अब कोई नहीं मारेगा। वैसे भाई के साथ उठना बैठना नहीं है, लेकिन इतनी तो अपनी भी चलती है बंबई में। वैसे अब आपका बिल 40 लाख 10 हजार हो गया। 10 हजार क्यों? अरे नजर जो लगा दी आपने। मैं आना। चलो तुम्हारी बेल हो गई। बेल हो गई। ए आना, ए आना, आना। साइन कर। मैं एक फोन कर सकती हूँ प्लीज? ये फोन, तेरा सामान, जो भी करना है घर जाके कर, अभी साइन कर। मेरी बेल किसने कराई? किसने कराई, क्यों करवाई, काहे को तेरे को? जा घर पे जा, पर्चा और ले। निकल मेरे घर से बाहर, तेरे जैसे धंधा करने वाली के लिए कोई जगह नहीं है मेरे घर में। गेट आउट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। Thank you.
लो बेटा खा लो। नहीं आंटी जी, जब तक मेरे पति को होश नहीं आ जाता मैं खाने को छूंगी तक नहीं। तो ठीक है, मैं वार्ड बॉय को कहती हूँ चिकन बिरयानी किसी को दे देगा बेचारा। चिकन बिरयानी? लेकिन आज तो मंगलवार है ना, और आज के दिन नॉन वेज नहीं खा सकते। तो इसमें से चावल खा लो बेटा। हाँ ये बात सही है। हाँ, मैं बिरयानी में से चावल निकाल के खा लेती हूँ। लेकिन इसमें अंडा है। तो क्या हो गया आंटी जी, बहुत सारे देशों में अंडे को वेजिटेरियन मानते हैं। इस मुर्गे ने अपनी जान इसलिए दी ताकि मेरा खाना बन सके। अब अगर मैं इसे नहीं खाऊंगी तो इसकी कुर्बानी बेकार चली जाएगी और जान की कीमत मुझे हॉस्पिटल में आकर ही पता चली है। और वैसे भी बहुत सारे देशों में चिकन को भी वेजिटेरियन मानते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही बेटा। अब चाइना में तो कुत्ते और बिच्छू को ही नॉन वेज मानते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, तो फिर खाते हैं बिरयानी। रहता नहीं है? अरे सॉरी बेटा मैं भूल गई, मैं लेके आती हूँ। यही रुको, बिरयानी बिना रायता जैसे बेगम बिना शौहर। आप? मैं एक्चुअली आपके पति की तारीफ करने आया। हॉस्पिटल में लेटे लेटे करीम मिर्जा जैसे क्रिमिनल को मरवा डाला। नाइस। एनीवेज आई एम इंस्पेक्टर कदम, अमित कदम, क्राइम ब्रांच। मलिक के केस का इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ। तो केसर जी, जो पिछले 9 महीने में आपके हस्बैंड यहाँ मुंबई में फिक्सर बन गए हैं, कुछ कहना है आपको इस बारे में? मलिक जो भी करते थे किसी को पता नहीं लगने देते थे, लेकिन एक बात तो क्लियर है, उन्होंने यहाँ रह के 200 से ज़्यादा दुश्मन बना रखे थे। मुझे उनकी जान की बहुत टेंशन हो रही है। सुबह ही उन्होंने मुझे बताया कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और अगले 48 घंटों में उन्होंने वो नहीं किया जो वो चाहते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। और अब देखिए ये सब। कौन थे? मलिक ने कुछ बताया? उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो हैंडल कर लेंगे और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैम, टेंशन की तो बात हो गई। वैसे रायते की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी काफी फैल चुका है। खैर अभी के लिए आए मुझको, जल्द मिलेंगे। सा घर है ये मगर। कपूर साहब वाह, ये घर भी ना बिल्कुल आप ही की तरह है, कमाल का है। मुंबई के बेस्ट फिक्सर का घर बेस्ट होना चाहिए। आर यू सीरियस कपूर साहब? वो कहावत तो सुनी होगी तुमने मलिक, दिल दरिया और अच्छा क्या किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बेझिझक बता देना। वो क्या है ना वो मलिक, ये मुंबई है मुंबई, या लोगों के घर में एयर कंडीशन तो होते हैं पर हीटर नहीं। यहाँ आदमी को अपनी गर्माहट के इंतजाम खुद करना पड़ता है। काफी ठरकी किस्म के आदमी है आपका। एक्सक्यूज मी। हाँ जी माता जी, पैरी पाना क्या? नहीं 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 नहीं, आप किसी को फोन ना करें, मैं आ रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ जी। मैं किसी को लेके आ रहा हूँ अपने साथ, आप किसी को फोन ना करें। जी जी जी, अरे चलना पड़ेगा। क्यों? वो मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ, चलो निकलते हैं। माता जी काम का इतना पैनिक करती है? ये वही बाबा है ना जो टीवी पर साबुन तेल बेचते? अरे ये बाबा सिद्धेश्वर है, ये अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, भक्ति की शक्ति। बाबा जी का ये कारोबार 20 साल पहले शुरू हुआ था और आज भी बॉलीवुड एक्टर हो या पॉलिटिशियन या क्रिकेटर, जब तक बाबा का आशीर्वाद नहीं हो कोई अपना काम शुरू नहीं करता। स्वच्छ स्वदेश,
बाबा का ये ब्रांड आज पूरे देश के घर घर में चलता है. बाबा इज एन एम्पायर, वो एक साम्राज्य है. अरे कपूर साहब वो सब ठीक है, बाबा को मुझसे क्या काम पड़ा. अरे वो पेरी पोना, ये माता जी है बाबा जी की. प्लीज जल्दी अंदर आए. जी जी माता जी.